देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्वच्छता सर्वेक्षण हमारे लिए निरंतर चलने वाली परंपरा बन गई है। ये सर्वेक्षण ना होकर हमारे जीवन शैली में शामिल हो गया है। उक्त बातें विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकेलवाला ने गांधी पुण्यतिथि के दिन शासन की स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को प्रेषित पत्र प्रदान करते हुए कही। नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र में स्वच्छ हॉस्पिटल यशोदा नंदन शिशु चिकित्सालय वार्ड 27, स्वच्छ स्कूल सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल वार्ड 31, स्वच्छ धार्मिक संस्था बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा पुलगांव सहित स्वच्छ होटल, स्वच्छतम समूह, स्वच्छ स्टार्टअप के साथ स्वच्छता चैंपियनों को विधायक महापौर ने पुरस्कृत कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर हमीद खोकर, पार्षद भास्कर कुंडले, एल्डरमैन रत्ना नारमदेव देव सिन्हा, पूर्व पार्षद राजकुमार साहू व अधिक संख्या में लोग उपस्थित थे। इस मौके पर महापौर धीरज बाकेलवाला ने कहा, स्वच्छता हमारे जीवन का अंग बन चुका है। कचरा और गंदगी के प्रति हमें सजग रहना आवश्यक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के माध्यम से ऑनलाइन प्रतियोगिता में शामिल होकर आप लोगों ने जागरूकता का परिचय दिया है। इसी प्रकार शहर की स्वच्छता के प्रति सजग रहें, अपने आसपास क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। और उस आधार पे आज जो पुरस्कार नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा ये आदेश आया था, उस आधार पे आज पुरस्कार का वितरण किया गया है। कितने लोगों को दिया गया है आज? ये लगभग समझ लीजिए 40 के आसपास लोगों को आज पुरस्कार दिया गया। माननीय विधायक अरुण वोरा जी की मुख्य अतिथि में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुर्ग नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोकर ने कहा कि स्वच्छता अब हमारे व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया बन गई है। हमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अव्वल आना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कचरा और गंदगी, इसका वैज्ञानिक निष्पादन कैसे करें, इस पर शासन का कार्य चल रहा है और इसमें हम सब का सहयोग करना है। शासन की मंशा है कि प्रदेश का नगरीय निकाय अधिक से अधिक साफ सुथरा हो, स्वच्छता के प्रति जनता में जागरूकता हो। इस दृष्टि से ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजन कर शहर के होटल, धार्मिक संस्थाएं, स्कूल आदि को शामिल किया गया था। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार स्वच्छता के लिए ड्राइंग, पोस्टर, नाचा एवं अन्य प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसके अंतर्गत दुर्ग शहर के स्वच्छ मोहल्ला में पद्माना भरपुर वार्ड 46, बोरसी पश्चिम वार्ड 49 पहला आया है। इसी प्रकार स्वच्छ शासकीय कार्यालय में पुलिस स्टेशन पुलगांव तथा CSP ऑफिस वार्ड 30, स्वच्छ हॉस्पिटल के लिए जिला चिकित्सालय वार्ड 29, यशोदा नंदन शिशु चिकित्सालय वार्ड 27 को चुना गया है। इसी प्रकार स्वच्छ स्कूल के लिए शासन सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल वार्ड क्रमांक 21, शासकीय प्राथमिक शाला बोरसी वार्ड 50, स्वच्छ धार्मिक संस्थाओं में श्री साईं बाबा मंदिर वार्ड 40, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा शिवनाथ नदी रोड शीतला बाजार वार्ड 29 और स्वच्छ पंचशील बाजार नया पारा स्वच्छ बाजार, स्वच्छ होटल दी होटल एवलॉन वार्ड 23, सोनाली रेस्टोरेंट इंदिरा मार्केट 30, स्वच्छ समूह श्री लक्ष्मी नारायण वेलफेयर सोसाइटी वार्ड क्रमांक 50 के साथ साथ महिला समूह, समर्पण सेवा संस्थान, संगवारी नाचा, ड्राइंग प्रतियोगिता तथा क्विज प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का सम्मान किया गया।